अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में कुछ डिटेल में बताऊंगा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है और 2023 के अंदर इसका क्या फ्यूचर है, और ऐसी वेबसाइट के बारे में बताऊंगा जिससे आप जो भी चीज़ इमेजिन करेंगे आपके सामने वैसी वो इमेज बना के दे देगा। आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं, आप वेबसाइट्स के मॉकअप बनाना चाहते हैं, आप यूआई डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, यूएक्स डिज़ाइन बनाना चाहते हैं, कुछ भी आप बनाना चाहते हैं, आपने सिर्फ वहाँ पे कमांड देनी है। यानी आपने सिर्फ जो चीज़ आप लेट्स सपोज आप सिर्फ इमेजिन करेंगे तो आपके सामने सारा को डिटेल में बना के दे देगा। सेम वैसा तो नहीं बनाएगा लेकिन उससे मिलता जुलता काफ़ी जो है वो स्कैन करने के बाद हमें कार्टून वगैरह हैं इसमें और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो जो आप यहाँ पे लिखते रहेंगे वैसे वैसे ही आपको बना के दे देगा। यानी सिर्फ आपने इमेजिन करना है कि कोई चीज़ रियलिटी में है भी नहीं, वो भी आपको इमेजिन करके दे देगा। इन वेबसाइट्स का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आपने वहाँ से देख लेना सारा। उसके बाद हम चलते हैं वेबसाइट्स के ऊपर बगैर टाइम ज़ाया किए। हमारे पास वेबसाइट का नाम है मिड जर्नी, हमने इसके ऊपर वो ओपन किया हुआ है। आपने वहाँ पे क्या करना है, discord.com जो है वो वेबसाइट है, इसमें मिड जर्नी जो है वो आपने ओपन कर लेना है सारा, ठीक है। मिड जर्नी यहाँ पे आ जाना, पहला जो है वो यहाँ पे सिर्फ एड फ्रेंड वगैरह इसके बारे में आएगा। आपने मिड जर्नी के ऊपर आ जाना, मिड जर्नी में आपने यहाँ पे सर्च कर लेना न्यूबी। न्यूबीज का मतलब है कि जो न्यू इसको ज्वाइन करते हैं। आपने कोई भी रूम जो है वो न्यू कमर रूम जो है वो कोई भी क्या कर लेना, ज्वाइन कर लेना है। ज्वाइन करने के बाद आप जैसे इसके ऊपर यहाँ पे आपने आ जाना, ये देखें यहाँ पे कुछ कार्टून्स वगैरह जो हैं वो अपलोड हो रहे हैं। यानी लोग जो हैं वो अपनी अपनी, ये देखें यहाँ पे दैट्स द स्टार क्रैशिंग इनटू हाइट वगैरह वगैरह लिखा हुआ देखें, ठीक है। यानी कि आप लाइन देखें, लाइन्स वर्किंग ग्राफिक डिजाइनर रिव्यूइंग कॉन्सेप्ट्स वगैरह सब कुछ। अब ये रियल में कुछ भी ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन, ठीक है, लेकिन आप आपकी इमेजिनेशन को जो है ना वो रियलिटी में चेंज करता है ये हमारे पास सारा कुछ। आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना सिंपल स्लैश लिखना आपने इमेजिन, इमेजिन के बाद आपसे ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से आगे आप जो भी लाइन लिखेंगे ना ये उस लाइन से मुताबिक मुतलिक जो है वो हमें एक पिक्चर बना के दे देगा। इतनी हाई क्वालिटी की जो है वो, यानी कि रेजोल्यूशन इसकी जो है वो हाई क्वालिटी की भी होगी। सिंपल मैं क्या लिखता हूँ कि लाइन वर्किंग इसी को देख के ऑन लैपटॉप, ठीक है। मैं लिख लिया लाइन जो है वो वर्किंग ऑन लैपटॉप, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख लिया, सर्च किया, अब यहाँ पे ये आ गया। थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, वेटिंग टू स्टार्ट यहाँ पे लिखा हुआ आ गया 0%। अभी जो है वो इसको सर्च कर रहा, सर्च करने के बाद इसको क्या करेगा ये, आपने अपना यूजर नेम देख लेना यहाँ पे, हमजा रजा आपका यूजर नेम। जैसे आप इस वेबसाइट के ऊपर आएंगे मैं आपको बता देता हूँ, आपसे ये साइन अप मांगेगा। आपने ईमेल, जैसे आप हम वेबसाइट के ऊपर साइन अप करते हैं वैसे आपने साइन अप कर लेना। अपना यूजर नेम जो है वो आपने यहाँ पे एक यूनिक सा रख लेना। अच्छा, इसकी एक डेस्कटॉप ऐप भी है। अब ये देखें लाइन जो है वो वर्क कर रहा है लैपटॉप के ऊपर, यानी कि इसने क्या किया, स्कैन किया। अब ये थोड़ा सा इसने और क्या कर लिया, वाजे बना दिया। अब देखें लाइन के ऐनक भी लगी हुई है बड़ी इन्होंने जो है वो, यहाँ पे अगर मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाऊं तो ये देखें, अब लाइन के इन्होंने ऐनक भी लगाई हुई है, लाइन यहाँ पे वर्क कर रहा है लैपटॉप के ऊपर। हालांकि रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता लेकिन इन्होंने जो है वो क्या कर दिया, थोड़ा सा हमें अब बना दिया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद मैं इसको क्या करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि मुझे जो है वो कहाँ गई है, ये रही, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये U3 वाली, यानी कि U1 U2 U3 U4, अब थोड़ी सी ये चार तस्वीरें इसने मिलती जुलती बना दी हैं। मैं चाहता हूँ कि U3 इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, यानी तीसरा नंबर वाली जो है इसको सिलेक्ट करता हूँ। ये क्या करेगा, इसको अपस्केल कर देगा, ठीक है। अपस्केल का मतलब क्या है कि इसको थोड़ा सा बड़ा कर देगा। नीचे आप आ जाएं, नीचे कहीं ना कहीं हमें जो है वो यहाँ पे अपडेट करके आ जाएगी। आपने जो है वो अपना यूजर नेम देखते रहना क्योंकि एक एक सेकंड के अंदर न्यू जो है यहाँ पे अपलोड हो रहे हैं। लेंगे ये आ गया, ठीक है। अब ये चौथी तस्वीर जो तीसरी तस्वीर हमने सेलेक्ट की थी, सिलेक्ट करने के बाद हमारे पास यहाँ पे इसने क्या कर दिया, एक सिंगल तस्वीर को अपस्केल कर गई, यानी कि थोड़ा सा चारों में से एक तस्वीर को उठा कर उसने अपस्केल कर दिया, बड़ा कर दिया इसको, ठीक है। अब आप सिंपल क्या करना, राइट क्लिक करना, आपने राइट क्लिक के बाद सेव इमेज एज यहाँ पे क्लिक करना, PNG आप कहीं भी इसको क्या कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह जो है वो आप हजारों की तादाद में क्या, लाखों की तादाद में क्या, जितने मर्जी आप यहाँ से इमेजेस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं जो कि आपको इंटरनेट पे डायरेक्ट ना मिल रहे हो तो आप यहाँ से डाउनलोड करें, उसके बाद अपनी डिजाइन में यूज करें। लेट्स सपोज मैंने आपने जो है वो एक शूज का वो बनाना है, टेम्पलेट बनाना है आपने, ठीक है, शूज की वेबसाइट का टेम्पलेट मॉकअप कुछ भी बनाना है, तो उसके लिए मैं क्या कर, इमेजिन के बाद प्रॉम्प्ट वेबसाइट्स फॉर नाइकी शूज
विद मॉकअप्स, यहाँ पे मैं मॉकअप्स भी लिख लेता हूँ, और डबल स्लैश v4, यानी इसका वर्जन 4 जो है वो काम करेगा यहाँ पे, ठीक है। और डबल स्लैश मैं करता हूँ इसको UI UX और रेड ग्रीन ब्लू, ठीक है। ये कलर जो है वो शूज में मेरे ऐड हों, और मैं जो है वो क्या करूँ इसको एंटर करता हूँ यहाँ पे। ये नहीं जी हमारा आ गया, ये मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा जूम करके, ये देखें इसने बड़ा ही मॉकअप जो है वो हमें दिखा दिया सारा, ठीक है। अब मॉकअप जो है वो मैं आपको एक मिनट इसको जो है ना हम जूम ऐसे करते हैं, सिंपल मैं आपको यूं जूम करके दिखा देता हूँ। ये देखें जूम हो गया हमारे पास, यूं का मॉकअप आ गया, ठीक है। अब मैं जो है मुझे इतना खास ये पसंद नहीं आया, तो मैं जो है इसको चेंज करता हूँ। किधर गया, यहाँ पे जो है एक सेकंड के अंदर गायब हो जाती है चीज, नीचे चला गया वहाँ हमारे वाला डिजाइन, ये रहा। मुझे इतना खास पसंद नहीं आया, मैं जो है वो इसको, अच्छा आप कहीं और से पूरे का पूरा जो है ना, अगर आपको कोई अच्छा लगा है कहीं भी नेट पे, तो वहां का लिंक जो है वो भी आप यहाँ पे ला के पेस्ट कर सकते हैं। लेट्स सपोज मैं यहाँ पे चलता हूँ Behance, आपको पता है वेबसाइट, यहाँ पे बड़े बड़े जो है वो डिजाइन पड़े होते हैं, यहाँ से हम एक आधा देखते हैं डाउनलोड करके। तो अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को मुकम्मल देखें, ताकि आपको सब कुछ समझ आए। यहाँ पे देखते हैं जो ये दिया हुआ, यहाँ से हम क्या करते हैं इसको कॉपी करते हैं, ठीक है। इसमें यहाँ पे आते हैं स्लैश इमेजिन फॉर्म, और यहाँ पे आपने सारा पेस्ट कर देना और एंटर कर देना, ठीक है। एंटर करने के बाद आपके पास ये दिखाता है कि बार पता नहीं अब कहाँ ये चला गया, ऊपर नीचे हो गया कहीं पे, ठीक है। तो यूँ जो है वो आप क्या कर सकते हैं, नेट से कहीं से भी डाउनलोड कर सकते हैं, या अगर आपको किसी और का भी डिज़ाइन अच्छा लगता है ना, तो यहाँ पे आपको यानी लोग जो सर्च कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको भी क्या कर सकते हैं, आप स्केल कर सकते हैं, उसको भी सेव कर सकते हैं। यानी ये तस्वीर जो है, इन तस्वीरों में से आपको कोई अच्छा लगता है तो अप स्केल 1, 2, 3, 4, ठीक है। ये U1, U2, अप स्केल का मतलब होता है कि यानी इसको बड़ा करके दिखाओ हमें, ठीक है। तो ये आपको बड़ा करके दिखा देगा, तो आप वहाँ से भी इसको भी तस्वीरें सेव कर सकते हैं, और अपनी भी तस्वीरें जो है वो आपको यहाँ से चाहिए तो एक सेकंड के अंदर आपको जो है वो तस्वीरें की है बना के दे देगा। अभी मैंने सर्च किया है, वो आगे पीछे हो गए कहीं, तो टाइम लगेगा सर्च करने में, मैंने कहा टाइम ना जाया हो, तो इसलिए जो है वो मैं आपको डिटेल में बता रहा हूँ। अच्छा, वेबसाइट तो आपने बना ली, सब कुछ कर लिया, तस्वीर को आपने डाउनलोड कर लिया, उसको फोटोशॉप में या canva.com में, canva.com पे भी आप वहाँ पे ला के एडिट कर सकते हो। लेट्स सपोज मैं आपको यहाँ पे इमेजिन फॉन्ट वेबसाइट फॉर शूज, या फिर आपने अगर लोगो लेना है सिंपल या कुछ भी लेना है, तो मैं जो है वो लोगो ले लेता हूँ एक यहाँ से सिंपल लोगो फॉर शूज। शूज के लिए क्या करेगा, लोगो हमें ला के देगा, जैसा भी होगा फिर आपने उसको जो है वो एक्सेप्ट करना है। अच्छा, उसके बाद अगर आपके पास कोई अपनी तस्वीर है, आपने उसको कार्टून में चेंज करना है, तो ये वो भी कर देता है सारा। तो यहाँ पे देखते हैं हमारा जो है वो कैसा लोड करेगा। ये इसने कुछ निकाल कर दिया है, लोगोस फॉर शूज, इतना खास नहीं लग रहा। रिफ्रेश करते हैं इसको, ये लें जी ये कुछ आ गया, शूज सेलर जो भी आपको लग रहा है, ये मुझे तो इतना खास नहीं लगा, ठीक है। आप यूं जो है वो अपना लोगो भी कर सकते हैं, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको और भी डिज़ाइन बना कर दे देगा। ये लें जी, आपने यहाँ से वेबसाइट्स के मॉकअप देख लेने हैं, उसको जो है वो आप एडिट कर सकते हैं अपने तौर पे, ठीक है। ये वाली मैंने जो है वो एक निकाल ली है, कस्टमाइज दिस अपने मुताबिक आपने कस्टमाइज करना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने इमेज लेकर आनी है शूज़ की, ये देंगे लैपटॉप के ऊपर ये वेबसाइट बनी हुई है, कॉल फॉर ऑर्डर या कुछ भी आप कर सकते हैं यहाँ पे। आप यहाँ पे तस्वीर जो है वो इसको डिलीट करने के बाद अपने शूज़ की भी ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं, इसको कस्टमाइज कर सकते हैं अपने तौर पे, ठीक है। तो
हम चलते हैं वापस इसके ऊपर। यहाँ से आप कुछ भी डाउनलोड करेंगे ना, डाउनलोड करने के बाद आपको कोई भी अच्छी लग रही है इसमें से, आपने सिंगल उसमें से एक उठा लेनी है, उठाने के बाद आप जो है वो इसको ले सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं अपने। इसमें रिफ्रेश मैंने किया था, देखते हैं इसने अपलोड किया है या ये आ गया। रिफ्रेश होने के बाद, रिफ्रेश होने के बाद इसने कुछ यूं के शूज़ निकाल लिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखें, जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें इसने जूम करने के बाद हमें जो है वो यूं के शूज़ निकाल लिए। ये देखें सिंगल कलर के अंदर है हमारे पास। हम क्या करते हैं इसको वापस लेकर आते हैं, ठीक है। हम यहाँ से इसको U3 में अच्छा लग रहा है हमें, U3 को हम ओके करते हैं। U3 नीचे देखते हैं, ये साथ ही U3 अपग्रेड हो गया, आता है कि नहीं आता है। वीडियो जो है काफ़ी लंबी और लेंथी हो गई, खैर चलें आपको डिटेल में सारा बता रहे थे। अभी तक U3 जो है वो अब स्केल नहीं हुआ, ये यहाँ पे हो रहा है। मैंने कैंसिल जॉब का ऑप्शन दे दिया, खैर से देख लेते हैं। अभी वैसे निकाल देता है ये अक्सर, वो वाला पिछला ये रहा। तो U3 के ऊपर हम क्लिक करते हैं, नीचे आएगा कहीं ना कहीं ये। तो यहाँ लोग जो हैं इसके यूज़र बहुत ज़्यादा हो गए हैं, इसलिए जो है वो आपको अपना नाम ही निकालना बड़ा मुश्किल रहता है यहाँ पे। चलें, लेकिन यह है कि काम की चीज़ है, काफ़ी चीज़ें हमें जो है वो फ्री में जा देती हैं, और क्या चाहिए हमें आज के दौर में। अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपको पता है ये फ्यूचर है आगे पाकिस्तान में। अच्छा, अब आप वेबसाइट बना रहे हैं लेकिन आपको जो है ना टाइटल का पता है ना जो है टैगलाइन का पता है, तो टैगलाइन के लिए मैं आपको जो है वो ChatGPT, ठीक है, ये वेबसाइट है हमारे पास openai.com, chat.openai.com ये वेबसाइट का लिंक है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसमें आप क्या कर सकते हैं सिंपल, इसमें आप सिंपल यहाँ पे कुछ भी लिखेंगे ना, यानी वेबसाइट फॉर शोज टैगलाइन, ठीक है, ये आपको जो है वो एक सेकंड के अंदर आपके पास टैगलाइंस बना के दे देगा, ठीक है। स्टाइल इनटू स्टाइल विद ब्रांड नेम, ये देखें यहाँ पे इसने जो है वो काफ़ी ज़्यादा ये लेनी टैगलाइंस बना दी है इसने, स्टेप इनटू स्टाइल विद ब्रांड नेम, आगे जो भी होगा आपका ब्रांड नेम उसमें आ सकता है। वेयर कंफर्ट मीट्स फैशन, ये भी है, ठीक है। फाइंड यूर परफेक्ट, यहाँ से आप कॉपी करें, कॉपी करने के बाद अपने उसके अंदर लगा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है वो डिस्क्रिप्शन भी लिख सकते हैं यहाँ पे, डिस्क्रिप्शन फॉर वेबसाइट्स अबाउट शूज, ठीक है। यहाँ पे आप जैसे लिखेंगे तो ये डिस्क्रिप्शन भी आपको बना देगा, ये देखें डिस्क्रिप्शन ऑटोमेटिकली जो है वो ऑटो जनरेटिंग इसकी जो है डिस्क्रिप्शन है, आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपने सिर्फ वेबसाइट के बारे में लिखना है, यहाँ पे आपको जो है वो ऑटोमेटिक डिस्क्रिप्शन बना देगा। ब्रांड नेम आपने यहाँ पे लिख लेना, वेलकम टू ब्रांड नेम फ्लां फ्लां, ठीक है, योर वन स्टॉप शॉप फॉर स्टाइलिश, ये देखें ऑटो पे हो रहा है सब कुछ, हर चीज़ को दी ऑटोमेटिकली, आपको लिखने की ना सोचने की। या आप यहाँ से जो है ना आप कंटेंट राइटिंग भी लिख सकते हैं, ठीक है, कंटेंट राइटिंग की जॉब है। उसके बाद जो है वो आपका यानी आपने वेबसाइट को बनानी है, उसके लिए आपको कंटेंट चाहिए, यानी कि आप यहाँ से जो है वो कुछ भी आप यहाँ से निकाल सकते हैं, ठीक है। लेदर की वेबसाइट्स हैं, जैसे मैंने पहले सर्च किया, अभी यहाँ पे देखें सर्च में आ रहा है लेदर वेबसाइट, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे जो है वो और भी ज़्यादा, यहाँ पे आप रिजनरेट भी करवा सकते हैं। तो ये वेबसाइट ऐसी है जहाँ से आप बेतहाशा कंटेंट फ्री में उठा सकते हैं, यहाँ से आपको जो है कोई कॉपीराइट का इशू नहीं है, AI जनरेटिंग इसका जो है वो ऐप है, सिंपल। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे मैं आपको, अगर आपने वेबसाइट बनानी है तो आपको पता है कि editorx.com जो है वो वेबसाइट है, जहाँ पे आप अपनी वेबसाइट जहाँ खुद ही कस्टमाइज वगैरह करने के बाद आप वेबसाइट भी यहाँ से जनरेट कर सकते हैं, और पब्लिश का भी ऑप्शन आता है इसमें, सिंपल। वैसे ये होती पैसों की है, लेकिन खैर इसको छोड़े, मैं कैनवा ही आपको रिकमेंड करूँगा जो कि आप फ्री में वहाँ से कर सकते हैं, ठीक है, हो गया। तो आज की वीडियो जो है वो ये इन दो टॉपिक्स के ऊपर थी कि आप जो है वो कहाँ से डिस्क्रिप्शन वगैरह उठा सकते हैं, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इस्तेमाल करते हुए आप क्या क्या कर सकते हैं 2023 के अंदर। तो काफ़ी ज़्यादा जॉब ऐसी हैं जिसके थ्रू जो है वो आप यहाँ से पैसे अर्निंग कर सकते हैं, कुछ भी आपने डिज़ाइन करना है, कुछ भी बनाना है, तो आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। इन सब का डिज़ाइन लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में रख दूँगा। उम्मीद करते हैं ये वीडियो जो है वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप जो है वो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, इसी तरह की मैं 2-3 और वीडियोज़ बनाऊँगा ताकि आपको जो है वो डिटेल में और समझ आ जाए।
मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।